देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। ये हिंदुस्तान की गूंज है, ये हिंदुस्तान का दम है। ये हिंदुस्तान की दहाड़ है, ये हिंदुस्तान का हौसला है। धमाका ऐसा कि सुनकर दिल दहल जाए, निशाना ऐसा कि दुश्मन का हर दाव फेल हो जाए, और अंदाज ऐसा कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। जबलपुर के धरती पर जैसे ही सारंग ने अपनी ताकत दिखाई, पूरा हिंदुस्तान इस गूंज का दीवाना हो गया। एक एक करके जैसे ही तोप के गोले छूटे, हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक एक कर तोप से तीन गोले हवा में छूटे और भयानक धमाके के साथ टारगेट को तबाह कर दिया। सारंग की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और इन बुलंद आवाजों ने जता दिया कि हिंदुस्तान की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हिंदुस्तान की ये ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से तैयार हैं। दुश्मन का दिल दहलाने वाले सारंग नाम के इस ब्रह्मास्त्र को जबलपुर के खमरिया की फायरिंग रेंज में पहली बार आजमाया गया। इस तोप से अलग अलग एंगल से निशाने साधे गए और हर कठिन कसौटियों पर सारंग को कसा गया और सारंग ने हर कठिन परीक्षा में आसानी से पार कर लिया। जबलपुर में सारंग की गूंज ने बार बार साबित कर दिया कि आखिर क्यों आज इस तोप को देश की दूसरी तोपों से भी घातक और खतरनाक कहा जा रहा है। सारंग को फायर करके हमारी क्षमता और बढ़ी है और देश को इससे काफी फायदा होगा और हमारी आर्मी को जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट मिलेगा। सेना ने सारंग गन को अपग्रेड किया है। अब तोप का बैरल 130 mm की जगह 155 mm का हो गया है। इसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर हो गई है। सेना के मुताबिक सारंग से अब रात के अंधेरे में भी हमला किया जा सकता है। तोप में तकनीकी रूप से कई बदलाव किए गए हैं, खासकर बैरल, ब्रीच ब्लॉक और नया साइटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है। सारंग तोप के नए अवतार के लिए 70 से 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। करीब 300 तोप को 2022 तक अपग्रेड कर सेना को सौंपा जाना है। मतलब सरहद पर दुश्मन के टेंशन का ग्राफ बढ़ना तय है और ऐसी आवाजें सुनकर उसका कलेजा दहलना भी निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।